सो वेलकम बैक टू द गेट गीक्स गाइस। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारे गेट प्रिपरेशन जर्नी को और कैसे लास्ट ईयर मेरी रैंक 7855 से इस साल 277 आई है। एंड आई विल बी शेयरिंग मेनी इनसाइट्स ऑफ माय प्रिपरेशन एज वेल एज बहुत सारे जो भी अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस फेस करे मैंने, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टिक टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई डिड आई स्टार्ट द गेट जर्नी। सो माय इनिशियल मोटिवेशन वाज कि मेरे को कोडिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था एंड सेकेंडली माई सी जी पी ए वॉज नॉट दैट गुड अंटिल माई सेकेंड ईयर सिंस आई वॉज लाइक नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज इन कोविड टाइम्स एंड आई टुक द पार्शियल ड्रॉप फॉर जेई। दैट इज वाई आफ्टर जब कॉलेज हमारा ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ तो उसके बाद फाइनली मैंने अपने स्टडीज को काफ़ी सीरियसली लिया कॉलेज। एंड देन इट वॉज अ एडेड एडवांटेज जब मुझे गेट के बारे में पता चला कि जो कि मैं कॉलेज का पढ़ रहा हूँ वही मुझे वापस से पढ़ना है इन डेप्थ फॉर द गेट एंड हाउ इट कैन चेंज द लाइफ एंड हाउ इट कैन ओपन अप द अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए मैंने चूज किया कि आई विल स्टडी फॉर द गेट इन माई थर्ड ईयर। नाउ जब थर्ड ईयर में मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई वॉज वेरी मोटिवेटेड बट आई डिसाइडेड कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं एंड आई स्टार्टेड एंड आई स्टडीड लाइक अलोन इन द कैंपस ओनली एंड फ्री लाइक ऑन यूट्यूब रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है उनसे मैं पढ़ता था और जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन में सॉल्व करता था। तो ये मैंने लास्ट ईयर समर्स में किया था बट देन आफ्टर जैसे ही मेरे समर ब्रेक्स खत्म हुए तो उसके बाद अगस्त से फिर से मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे। सो उस वजह से देन अगेन कॉलेज पे मैंने ज़्यादा फोकस किया बिकॉज मेरा सी जी पी ए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। सो दैट इज़ वाई फिर से मैंने गेट के प्रिपरेशन को हॉल्ट किया काफ़ी टाइम के लिए और देन फाइनली तीन चार लाइक महीने का गैप हो गया था तो फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन गिव अप कर दी लास्ट ईयर एंड फाइनली मैंने उसको ड्रॉप किया गेट के प्रिपरेशन को। बट स्टिल मैं एग्जाम डे पे एग्जाम देने गया जस्ट टू सी कि ओके चलो अब जितना पढ़ा था भले ही समर्स में उसको एक बार देख के आते हैं देखते हैं कि कितना क्या होता। सो जब मैं 2023 का पेपर देने गया सो इट वॉज लाइक वेरी आई कैन फील दैट कि पेपर आसान था बट मैं चीज़ें भूल रहा था और मुझे याद नहीं थी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी पढ़ रखी थी और काफ़ी सारे क्वेश्चन देख के समझ आ रहा था कि ये सिर्फ सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बट सिंस नहीं थी तैयारी सो नथिंग कुड बी डन वो वाली बात। देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि ठीक है अब गेट का प्रिपरेशन तो नहीं हो रहा है और नहीं करना है। देन आई गिव अप ऑन द गेट प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट ईयर लाइक लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर में मैंने सोचा कि मैं गेट नहीं दूंगा एंड देन आई स्टार्टेड कोडिंग एज वेल कि मतलब मैंने सोचा कि ओके प्लेसमेंट ही लेना है तो मैंने फिर कोडिंग वगैरह स्टार्ट किया। फिर मैंने एक वीडियो देखा वो क्लासेस का फॉर फेलिसिटेशन। सो लाइक इट वॉज ऑफ फेलिसिटेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर टॉपर्स लाइक 2023 टॉपर्स। मुझे बहुत मोटिवेशन हुआ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गेट बिकॉज उनको देख के मुझे लगा यार कि मुझे फिर से करना है और मैं कर सकता हूँ लास्ट ईयर मैंने ढंग से नहीं किया था इस साल अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा। टिल माई आई वॉज नॉट स्टडी बट आई वॉज फोकसिंग ऑन माई अकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट का तैयारी। बट आफ्टर दैट वो मई में जब वो वीडियो मैंने देखा फेलिसिटेशन का एंड देन फिर उसके बाद मुझे पता चला गो क्लासेस के बारे में तो मैंने प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज भी देखे काफ़ी सारे और उससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन टाइप का मिला कि हाउ मतलब मुझे कितना बिकॉज मैं इस सिचुएशन में था कि मेरा ना सी जी पी ए बहुत अच्छा था ना मुझे कोडिंग बहुत अच्छे से आती थी मतलब मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा सब था बट मैं किसी में भी मास्टर नहीं था और मुझे कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी उस टाइम पर नहीं था। सो इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया कि मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स को जो भी पढ़े हैं उन्हीं पर फोकस करके गेट इस साल निकाल सकता हूँ और इस बार मतलब मैंने घर पे भी बताया एंड देन आई फाइनली इस बार मैंने कोचिंग क्लासेस ली जो कि जून में मैंने गो क्लासेस को ज्वाइन किया और फिर मैंने डेडिकेटेडली पढ़ाई करी फ्रॉम जून टिल द लाइक जब तक सेमेस्टर लाइक समर ब्रेक्स ख़त्म हो गया तब तक मैं फिर से डेडिकेटेडली पढ़ा। बट फिर से जब सेमेस्टर आया तो इस बार मैंने स्टॉप नहीं की प्रिपरेशन आई जस्ट लाइक बहुत स्लो पढ़ती थी ऑल दो उसको भी आप एक तरह से गैप की तरह काउंट कर सकते हो एक दो महीने का बट बहुत स्लो थी लाइक मैं कर रहा था बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। बट आफ्टर अक्टूबर में जब घर पे आया तो उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करी और लाइक 10-12 आवर्स में पढ़ता था और उससे मेरा फिर मैंने काफ़ी फोकसली पढ़ाई करी थी लास्ट टाइम पे और उससे मेरा रैंक जो है वो 277 अभी फाइनली CS में आया है एंड 401 डेटा साइंस में आया है इन द 2024। तो मैंने क्यों ये बताया बिकॉज जो इसमें मेनली ये था कि पहले सबसे पहले जो स्टेप्स थे वो थे कि सिलेबस को पहचानना कि यार कितना सिलेबस है और मुझे कितना करना है
बिकॉज 100% सिलेबस किसी का भी नहीं होता, इनफैक्ट एयर वन का भी 100% सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं होता। और जितना मेरे पास टाइम था उस हिसाब से मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कितने टॉपिक्स में थे, कितनी चीज़ें करनी है। सो मैंने 100% नहीं पढ़ा था, बट मैंने ये सोच लिया था कि मुझे छोड़ना भी कुछ नहीं है। सो मैंने हर टॉपिक को एटलीस्ट टच तो किया ही था, और मैंने देखा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने एटलीस्ट डेप्थ में लास्ट टाइम पे पढ़ लिया था। वो क्लासेस के जो वीडियोज़ हैं दैट आर वेरी कंसेप्चुअल और बहुत इन डेप्थ होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ थे वो मैंने नहीं देखे थे, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास टाइम नहीं था। आई मतलब मैं देखना चाहता था बट चूँकि टाइम नहीं था सो आई डिडंट वॉच देम। मैंने यूट्यूब से, फ्री रिसोर्सेज से, इन सबसे क्रैश कोर्स टाइप से वीडियो कम्प्लीट किया उनको। Although it didn't help much because obviously conceptual clarity is important, but एक दो जो simple questions थे वो मेरे से बन भी गए final exam में, just because मैंने for the sake of completion उनको पढ़ा था। So the first step is in whichever phase आप लोग भी अगर तैयारी करेंगे तो आपको syllabus figure out करना है कि क्या है और आप किस phase में और आप कितना कर सकते हैं। और I can say because मैंने crack किया है तो मैं बता सकता हूँ कि it's never too late। तो जैसे अगर आप सोच रहे हो कि 6 महीने में नहीं हो सकता है और 2 महीने में या 3 महीने में कुछ नहीं होगा करके नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है, तो दिस वॉज माई सेम थॉट इन अक्टूबर कि यार नहीं होगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। बट मेरे पापा ने मुझे इनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि तुम्हें अगले साल का सोचना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, अभी जो बेस्ट अटेम्प्ट है तुम्हें वो देना है और फिर रैंक भगवान के हाथ में छोड़ देनी है। सो आई वुड से द सेम थिंग कि इट्स नेवर टू लेट, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज रैदर देन ये सोचने में कि यार कैसे होगा, यू जस्ट डू इट। कोचिंग का आई टोल्ड यू दैट कोचिंग मैंने गो क्लासेस से किया, फुल टाइम एनरोल्ड स्टूडेंट था मैं, और उनका टेस्ट सीरीज भी मैंने कोचिंग क्लासेस गो क्लासेस का ही लिया। देन फाइनली एक बात जो है प्रिपरेशन में, अगर आप जैसे अर्ली स्टार्ट कर चुके हो गेट का प्रिपरेशन और आप जैसे मेरी 277 है, आप 1 भी ला सकते हो, आप 10 भी ला सकते हो, 20 भी ला सकते हो, तो मेरी 277 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है? इट्स जस्ट बिकॉज कि मतलब I was not very consistent with my preparation. मतलब मैंने बीच में हॉल्ट किया, मैंने स्लो किया, मैंने मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था अपने प्रिपरेशन में। सो अगर आप टॉप रैंक को टारगेट कर रहे हो या अंडर 100 टारगेट कर रहे हो, आईएससी बैंगलोर को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अपना जो वो है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एक लेवल ऑफ स्टडी जो आप रोज कर रहे होंगे कि यार मुझे 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। और बिलीव मी आप जब इसको एक पॉइंट पे जब आप 1 महीना या 2 महीना से कंसिस्टेंटली पढ़ लोगे तो फिर आपको मतलब कॉन्शियसली एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए कि यार मतलब वो इट विल बी इन योर रूटीन, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा पढ़ने का। यू जस्ट हैव टू लाइक स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो इससे इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। देन मेनी पीपल मे बी डूइंग जॉब, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विद जॉब, आई एग्री, बट इट इज़ मैनेजेबल और बहुत लोग लाते हैं रैंक। अभी हमारे वो क्लासेस में मतलब मेरे ग्रुप में अभी हमारा फेलिसिटेशन था, सो आई मेट 1 पर्सन, ही वॉज माई रूममेट ओनली, शशांक, एंड ही गॉट द रैंक 331 आई गेस, सो एंड ही वॉज डूइंग जॉब। ऐसा होता है लोग रैंक लाते हैं जॉब करते हुए, सो आपको फोकस करना है अपने पढ़ाई पर, टाइम निकल आएगा अपने आप, यू जस्ट हैव टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। अगर दिन भर इंस्टाग्राम रील्स देखोगे तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं करवा सकता, ये आप पेपर पे लिख सकते हो। आपको अपना टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर बिजी पर्सन, आपके पास टाइम है तो यू कैन मैनेज योर एंटरटेनमेंट एज वेल। मैं ये नहीं कहता कि 12 घंटे आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है और आपको आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो इवन 4 आवर्स इज इनफ फॉर 1 ईयर। लाइक अगर आप 1 घंटा 4 दिन में 4 घंटा रोज पढ़ते हो फॉर वेट और कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट वही है, ज़्यादातर लोग आर नॉट कंसिस्टेंट दैट मच, सो इसीलिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट माई प्रिपरेशन इन द फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। उसमें मेनली मेरा फोकस ये था टू फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीट द सिलेबस, जो भी आई डिड अ वेरी फास्ट ट्रैक कोर्स एंड मैंने बहुत डेप्थ में किया है, बिकॉज मैं अपने सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स थे जब मैं ऑफलाइन आया कॉलेज में तो मैं बहुत सीरियसली उनको पढ़ता था, तो मुझे ये बेनिफिट मिला कि मेरे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एक कह सकते हो बेस तैयार था, तो इसलिए मैं इतना जल्दी उनको कवर अप कर पाया। बट आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको टाइम देना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार भी आपको लगे वीडियो देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, एडिशनल रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। बट मेरे पास टाइम नहीं था एंड माय फंडामेंटल्स वर स्ट्रांग, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट, तो ये एक मेरे साथ बेनिफिट था। ऑल्सो
टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है इस एग्जाम में. आई कैन नॉट एम्फसाइज कि टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज कई बच्चे से इस बात से डरते हैं, अभी तो सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है, सो हाउ विल आई गिव टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट कैसे दूं मैं, पहले एक बार सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा फिर मैं टेस्ट दूंगा. बट दैट डजंट वर्क आउट, बिकॉज टेस्ट देते देते यू कैन कम्प्लीट द सिलेबस. और आई कैन ऑल्सो से दिस, बिकॉज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो आई हैड अ फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप जिससे मैं डिस्कस करता था कि आज के टारगेट्स क्या हैं और आज मेरा एम क्या है, मैं क्या करूँगा. ऐसे सिमिलरली फ्रेंड भी मेरा सेम शेयर करता था उसको, बट फाइनली वो टेस्ट नहीं देता था फ्रेंड एंड मैं देता था. सो वो उसको फाइनल एग्जाम में उसको डिफिकल्टी फेस करना पड़ा ड्यू टू द टाइम मैनेजमेंट एंड सिली मिस्टेक. तो ये दो चीज़ें आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से ही कम हो सकती हैं और टेस्ट से ही कम हो सकती हैं, नॉट इवन प्रैक्टिस. जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में 3 घंटे का, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप कैसे कैसे मिस्टेक्स कर सकते. तो आई गिव मेनी टेस्ट, लाइक मैंने अराउंड 15-20 टेस्ट दिए थे इन जस्ट लास्ट लाइक दिसंबर के बाद ही. सो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी, अगर आप टेस्ट देते हो तो बहुत फायदा होगा इन द एग्जाम, बिकॉज आपका एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है टू सिट फॉर 3 hours एंड टू फोकस फॉर 3 hours. सो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस फॉर 3 hours एंड यू विल गेट एग्जॉस्टेड. स्टार्टिंग में आपसे 3 घंटा हो सकता है बैठा भी ना जाए, बट इफ यू स्टडी फॉर लॉन्ग इनफ देन डेफिनेटली इट हेल्प. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट नो डाउट, बट प्रैक्टिस सिलेक्टिव प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक कि आप कोई भी रिसोर्स उठा लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको आता है वही कर रहे हो, तो उससे आपका रैंक नहीं बनेगा. आपका रैंक बनेगा वो क्वेश्चन करने से, उनको बार बार प्रैक्टिस करने से, जो क्वेश्चन आप भूल जाते हो, जो क्वेश्चन आप बार बार गलत करते हो, जो कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाते हो, उस उन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपका रैंक बने. सो डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर फॉरगेटिंग मोस्ट. एंड जो आपसे फर्स्ट टाइम बन गया वो 99% आपसे 10 महीने बाद भी फर्स्ट टाइम में बन जाएगा, बट जो चीज़ आप नहीं बना पाते हो फर्स्ट टाइम पे, दो क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट और उनका एक प्रॉपर रिविजन शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है. सो जो लोग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, आई वुड से रिविजन को डोंट टेक इट लाइटली. स्टार्टिंग से ही यू शुड रिवाइज, स्टार्टिंग से ही आपको वीकली रिविजन करना चाहिए, एक मंथली रिविजन करना चाहिए. हो सकता है वीकली आप ना कर पाए, डेली आप ना कर पाए, मंथली रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट मतलब दिस इज मिनिमम कि मंथली आप एक बार जो भी आपने पढ़ा सब्जेक्ट्स को उनको आप रिवाइज कर रहे हो ढंग से, अदरवाइज इट विल फेड अवे डेफिनेटली. एंड जब तक आप एंड में आओगे तो आपको लगेगा कि आपने वो सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं था. सो और जो क्वेश्चन आपसे पहले बन जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे. सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज लाइक कंसिस्टेंटली एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में फेल होते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैंने भी रिविजन बहुत अच्छे से नहीं किया था और इसी वजह से आई एम एट 277. सो डेफिनेटली यू शुड हैव अ प्रॉपर रिविजन शेड्यूल एंड अ प्रॉपर प्रैक्टिस शेड्यूल एज वेल, टेस्ट शेड्यूल एज वेल. तो जब आपका एक बार रूटीन बन जाएगा देन इट विल बी अ केक वॉक. एंड रूटीन ऐसा नहीं कि यार मुझे ऐसा आज यही करना है या मुझे आज, डोंट सेट द रूटीन कि यार आज मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ूंगा, आज मैं यही पढ़ूंगा. यू कैन स्टडी वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू फील लाइक. यू जस्ट हैव टू मेक द टारगेट्स कि यार वीकली मेरा टारगेट ये है और आज मुझे ये करना है. अब मान लो आपका मन नहीं कर रहा है मैथ्स, आपने डिसाइड किया आपको मैथ्स पढ़ना है और अब आप मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहे हो, सो यू कैन शिफ्ट चेंज द सब्जेक्ट और कुछ और पढ़ सकते हो जो कि आपका वीकली टारगेट में था. बट ऑब्वियसली अब आपका कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है, सो दैट डजंट वर्क आउट. यू हैव टू स्टडी फर्स्ट. नाउ फाइनली ऑन द एग्जाम डे कैसे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम डे पे पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग कॉल करके डिमोटिवेट कर सकते हैं, बहुत लोग आपको ये बोल सकते हैं कि यार बहुत डर लग रहा है, ये कर रहा है, नेगेटिव बातें कर सकते हैं, भाई इधर क्या होगा कैसे होगा, भाई ये कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा तो ये वाला भी नहीं हुआ, तेरा हुआ क्या. सो आपको ऐसे क्वेश्चन बोल के या किसी को पता है कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है उसी में से आपसे डाउट पूछ सकते हो. एग्जाम डे पे तो सब बंद करके रख देना चाहिए, किसी से बातचीत मत करो, सिर्फ भगवान का नाम लो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और एग्जाम देने जाओ. और बिलीव इन योरसेल्फ इज द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट की ऑन द एग्जाम डे, कि आपको रखना है कि यार आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, सो डेफिनेटली जो भी होगा इट विल वर्क आउट एंड पैनिक नहीं करना है. सो कई लोग पैनिक करते हैं एंड दे डिजर्व लाइक AR 1, AR 2, AR 3 और दे लैंड अप AR 130, 140, 150. ऐसे भी लोग देखे और ऐसा होता है जस्ट बिकॉज दे आर लाइक नर्वस, दे पैनिक अ लॉट. सो इस चीज पर आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है. उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस, आज के दिन पे डेली नहीं तो बेसिकली 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको एक पीस मिले और ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा. नाउ I'll talk about one very important aspect of this exam, that how it can change your life and how it can impact your future. So, मैं अपने example से बताता हूँ. Like
बिकॉज इससे पहले मेरी आई वॉज नॉट गुड एट कोडिंग, आई वॉज नॉट गुड इन एनी थिंग एक्सेप्ट आई वॉज जस्ट कोपिंग अप विद माई कॉलेज. और मैं एक बहुत नॉर्मली स्टूडेंट हूँ, बहुत एवरेज ही हूँ, आई एम नॉट समवन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और डेफिनेटली अगर ऑर्डिनरी पर्सन को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना होता है तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. एंड ये आपको पता होता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या आप नहीं हो. सो अगर आप हो तो जस्ट डोंट, इफ यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन देन डोंट ईगो पे उसको मत लेना एंड जस्ट प्रिपेयर इवन लिटिल. आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करोगे आपका हो जाएगा बिकॉज यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बट अगर आप ऑर्डिनरी पर्सन हो मेरी तरह तो यू हैव टू make extraordinary efforts to get a extraordinary, you know, life. तो ये एक बहुत सिंपल सा रूल है और इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है. तो आपको जिंदगी में कभी भी कितनी भी बार हो आपको लग सकता है कि यार नहीं होगा, बट इफ यू डू इट विल वर्क आउट, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट. तो ये चीज है, कई लोग गिव अप कर देते हैं. यू डोंट हैव टू गिव अप, नेवर गिव अप इज द की, बिकॉज गिविंग अप इज द वेरी, यू नो, इट इज लाइक एक कायरों की निशानी होती है कि आप जब पहले ही हार गए तो आप एग्जाम में कैसे जीते, राइट? तो आपको हारना नहीं है और आपको लगे रहना है. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. नाउ आई विल टेल यू हाउ गेट कैन चेंज पर्सपेक्टिव आपके पेरेंट्स का आपके प्रति, आपकी सोसाइटी का आपके प्रति, आपके टीचर्स का आपके प्रति और एज अ होल आपके करियर का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक गेट एग्जाम में कोई भी ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करते हो और एक अच्छी रैंक लेके आते हो, सो सबसे पहला जो प्राउड मोमेंट होता है दैट इज योर पेरेंट्स और उनको एंड उनका उनकी आंखों में आपको देख के बता सकते हो आपकी वो कितने खुश हैं और हाउ लाइक वो कितना प्राउड फील करते. सो दैट इज वर्थ इट फॉर द योर पेरेंट्स. कई लोगों का मोटिवेशन सिर्फ पेरेंट्स भी हो सकता है. इनिशियल मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स नहीं थे, बट जब मैं अक्टूबर में प्रिपेयर कर रहा था एंड व्हेन माय फादर पुश्ड मी कि नहीं तुम्हें गिव अप नहीं करना है एंड यू डोंट थिंक ऑफ ड्रॉप और तुम्हें पढ़ना है, तो मुझे एंड जितनी भी मेरे घर के जो भी एक्टिविटीज मेरे रहते थे, पापा ने मुझे सबसे फ्री कर दिया था कि तुम्हारे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो. तो वो एक मोटिवेशन मेरे को काम किया कि यार लाइक माई फादर इज गिविंग मी सो मच फ्रीडम, तो मुझे पढ़ना है और मुझे अपना बेस्ट देना है. इन द लास्ट 3 मंथ्स तो मैंने अपना जितना मुझसे हो सका मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपना बेस्ट दूं. द थिंग इज कि उनको एक प्राउड मोमेंट फील होता है. सेकेंडली सोसाइटी, तो सोसाइटी वैसे तो आपके हमेशा अच्छे वक्त में आपके साथ रहेगी, बुरे वक्त में नहीं रहेगी, बट स्टिल एक सोसाइटी में, समाज में एक आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, आपकी वैल्यू की जाती है, आप जो बात बोल रहे हो उसको सुनने के लिए लोग रहते हैं और ये चीज आपको एक प्राउड मोमेंट फील कराती है. Yes, I am something. So, एक वो चीज़ है. Thirdly, आपके टीचर्स, आपका कलीग ग्रुप आपको एक बहुत अच्छी नज़र से देखता है. अभी हमारा गो क्लासेस का फेलिसिटेशन हुआ था, वहाँ जब उस फेलिसिटेशन में मैं खड़ा था तो मुझे लाइक ये फील हुआ कि मैं एक साल पहले इसी स्टेज पर था जब मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर टॉपर्स का फेलिसिटेशन पहला वीडियो था जो मैंने देखा था. सो फ्रॉम वॉचिंग अ फेलिसिटेशन टू कमिंग टू अ फेलिसिटेशन, वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए. और आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा towards your life, कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक करके. सो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर वर्किंग हार्ड फॉर. तो ये मेरी तरफ से मेरी जर्नी थी और कुछ जो भी मैंने सीखा थोड़ा बहुत वो मैंने इस वीडियो में कन्वे करने की कोशिश की है. बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी आपका क्वेरी हो और अगर मैं उसके एलिजिबल हूँ तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उनको क्लियर करने के लिए. और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं. जाओ अब फोड़ो.